The terror begins again. हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अब तक हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बताया कैसे हिंदी टू इंग्लिश आप ट्रांसलेट करें। आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की रिकॉग्निशन क्या है, इसके रूल्स क्या हैं और कैसे आप चेंज करेंगे, एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसके तीन नाम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम इम्परफेक्ट भी कहते हैं, इम्परफेक्ट। इसको हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं अभी आपको बताते हैं, इसके रिकॉग्निशन बताने के बाद। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिंदी में रिकॉग्निशन होती है हिंदी वाक्य में मेन वर्ब के अंत में दिया हो, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो या रहा हूं और रही हूं। फिर से देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हिंदी में रिकॉग्निशन क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे, रहे हो, रहा हूं और रहे, ये हिंदी में रिकॉग्निशन है। इससे हम इम्परफेक्ट कहते हैं। प्रोग्रेसिव क्यों होते हैं, कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है जो कोई वर्क जो कंटिन्यूअस लगातार चल रहा। इम्परफेक्ट का मतलब होता है अपूर्ण, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, इम्परफेक्ट मीन्स अपूर्ण। अगर काम चल रहा है, काम जारी है, इसका मतलब वो पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है, इसीलिए इसको परफेक्ट नहीं बल्कि इम्परफेक्ट कहते हैं। प्रोग्रेसिव से मतलब है आगे बढ़ना, जैसे वह पढ़ रहा है इसका मतलब है पढ़ाई का काम अभी आगे बढ़ रहा है, तो काम बढ़ते चल रहा है। कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट एक ही नाम, एक ही टेंस के तीनों नाम है। हिंदी में कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ऐसे सेंटेंसेस जिनके हिंदी वाक्य मेन वर्ब के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, दिया हो, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल आपको कहें कि वह जा रहा है, वह जा रहा है, तो देखिए रहा है लास्ट में लगा हुआ है, ये कंटिन्यूअस। दूसरा देखिए, क्या तुम सो रहे हो, रहे हो लगा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आप समझिए ऐसे सेंटेंस जिनके हिंदी वाक्य में मेन वर्ब के अंत में रहा है, रही है, लगा हो, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हम इसकी ऑग्युलरी वर्ब को देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तीन ऑग्युलरी वर्ब्स होते हैं, इज, एम और आर। इज, एम और आर, ये तीन ऑग्युलरी वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। ये कंटिन्यूअस कोई भी कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, कोई भी कंटिन्यूअस होगा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही जोड़ते हैं। अब इसके हम रूल्स को देखते हैं कि इसके रूल्स क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहला रूल, सिंगुलर नंबर जिसे ही लगा हो, सी हो, एट हो या सिंगुलर नंबर, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो सिंगुलर नंबर हो, जनरली इनके अंत में हिंदी में लगा रहता है, रहा है, रही है, निश्चित रूप से लगा रहता है, रहा है, रही है, सिंगुलर नंबर हो, इसमें आप क्या यूज करेंगे, इज, ऑक्सिलरी वर्ब इज का यूज करेंगे। रूल नंबर टू, अगर प्लूरल नंबर हो, जैसे आई, यू हो, दे हो, वी हो या कोई भी प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो, मोर देन वन, तो इनके अंत में हम प्राय देखते हैं रहे हैं, रहे हो लगा रहता है, यहाँ पर हम आर का यूज करते हैं। थर्ड रूल, आई के साथ हमेशा हम यूज करते हैं
एम का, ऐसे सेंटेंसेस जो रहते हैं उनके लास्ट में लगा रहता है रहा हूं या रही हूं लगा रहता है। तो रोज फिर से देख लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, अगर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो ऑक्सिलरी वर्ब इज का यूज करेंगे, उनके अंत में रहा है रही है लगे रहेंगे। प्लूरल नंबर है यू है दे है वी है, कोई भी प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है जिनके अंत में प्राय रहे हैं रहे वो लगा रहता है तो आर का यूज करेंगे, और आई के साथ हमेशा यूज करेंगे एम का, उनके अंत में प्राय लगा रहता है रहा हूँ और रहे हूँ लगे रहता है। अब हम एक एक सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव करके आपको बताएंगे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए जैसे वह पत्र लिख रहा है, वह पत्र लिख रहा, पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस आपको बता रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस और साधन वह पत्र लिख रहा है, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है वह, उसके बाद क्या लिखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर के साथ आपको क्या लगाना है इज, लिखेंगे ही इज, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है लिखना, लिखना को फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ेंगे। अब इसमें डब्ल्यू आर आई सी ई होता है लेकिन जब आई एन जी जोड़ेंगे ई को हटा देंगे, ऐसी वर्ब नहीं ई लगा हो आई एन जी जोड़ेंगे तो हटा देंगे, तो हो जाएगा राइटिंग इज राइटिंग, बच गई ऑब्जेक्ट राइटिंग अ लेटर। अब प्लूरल नंबर का देखते हैं, जैसे वे स्कूल जा रहे हैं, वे स्कूल जा रहे हैं, तब कैसे आप करेंगे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है दे, प्लूरल नंबर है ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगाएंगे रहे हैं के अकॉर्डिंग टू हो जाएगा आर, दे आर, फिर मेन वर्ब में जोड़ेंगे आई एन जी, वो मीन्स हो गया आपका जाना, आई एन जी जोड़ देंगे हो जाएगा दे आर गोइंग, बचा के आपका स्कूल टू स्कूल, ये आपका प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर है इज लगाएंगे, प्लूरल नंबर है आर लगाएंगे। अब आई वाला यू, जैसे मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, कर रहा हूं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, अब ऑक्सिलरी वर्ब देखेंगे आई के साथ क्या यूज करना है आपको एम, आई एम, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब क्या है इंतजार करना, तो इंतजार करना की मुझसे होगी वेट, इसमें आई नहीं जोड़ेंगे वेट, वेट के साथ फॉर फिर पोजिशन का यूज करते आई एम वेटिंग आपका हो जाएगा फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, इस तरह आपने देखा अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो सिंगुलर नंबर में इस का यूज करेंगे, प्लूरल में आर का यूज करेंगे, लेकिन आई के साथ स्पेशली केवल एम का ही यूज करेंगे। अब अगर नेगेटिव सेंटेंस दिए हों तो कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे, अब नेगेटिव सेंटेंस आपको बताते हैं, इसमें करना क्या है ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपको नॉट का केवल यूज कर देना है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस ऐसे वे नहीं खेल रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस। अब सब्जेक्ट हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कैसे सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, तो वे प्लूरल नंबर है तो पहले आप वे का लिखेंगे दे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का चयन करेंगे, दे प्लूरल नंबर है तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगी आर, आर के बाद हम आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद यूज करेंगे नॉट का, दे आर नॉट, रह गया मेन वर्ब, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप जोड़ देंगे आई एन जी, दे आर नॉट प्लेन। अब सिंगुलर नंबर का कोई सेंटेंस लिखिए, राधा कपड़े नहीं धो रही है, राधा कपड़े नहीं धो रही है, अब सब्जेक्ट आप देखेंगे सब्जेक्ट है सिंगुलर नंबर, तो पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे राधा,
उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे सिंगुलर नंबर के साथ, ऑक्सिलरी वर्ब है इज, राधा इज, सेंटेंस नेगेटिव है ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद आपको यूज करना होगा नॉट, राधा इज नॉट, बच्चा क्या धोना मेन वर्ब, नॉट के बाद मेन वर्ब वॉशिंग, वॉशिंग बच गया आपका ऑब्जेक्ट क्या है कपड़े, वॉशिंग क्लॉथ, राधा इज नॉट वॉशिंग क्लॉथ, ये सिंगुलर नंबर के साथ रहा। अब आई के साथ कैसे बनाएंगे, नेगेटिव रहेगा तो मैं एक पत्र नहीं लिख रही हूं, लिख रही मैं पत्र नहीं, मैं पत्र नहीं लिख रही हूँ, एक सेंटेंस होगा मैं पत्र नहीं लिख रही हूँ। अब इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, पहले आई का लिखेंगे आई, ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगाएंगे हूँ, आई एम, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या लगाना है नेगेटिव सब नॉट, आई एम नॉट। अब बचा क्या मेन वर्ब, मेन वर्ब आपका है लिखना, तो लिखने के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ देंगे, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस रहा। अब नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे उसके बारे में बताता हूं। नेगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, पहले जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या तुम बाजार जा रहे हो, हो गया क्या तुम बाजार जा रहे हो। तो शुरू में आपको कई बार हमने बताया है अगर क्वेश्चन वर्ड शुरू में क्या लगा हो तो क्या की इंग्लिश नहीं बनाते हैं, हम ऑक्सिलरी वर्ब को पहले नंबर पर लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल है तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगी आर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे आर यू, और उसके बाद मेन वर्ब को लिखेंगे, मेन वर्ब क्या है जाना, इसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, आर यू गोइंग बचा क्या मार्केट टू मार्केट, आर यू गोइंग टू मार्केट, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना चाहें तो जब क्या तुम बाजार के बाद यहां जोड़ देंगे नहीं जा रहे हो, आप क्या करेंगे आर यू सब्जेक्ट के बाद यहां पर नॉट का यूज करेंगे, आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट। अब दूसरा ऐसा देख लीजिए सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आपका चला जाए तो उसको कैसे बनाएंगे, जैसे एक सेंटेंस ले लीजिए वह अब क्यों नहीं हंस रहा है, हंस रहा है, वह अब क्यों नहीं हंस रहा है, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आ गया, तो जब बीच में आ गया तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी वाई, सब्जेक्ट देखिए क्या है सिंगुलर नंबर है तो ऑक्सिलरी क्या लिखेंगे इज, वाई इज, इसके बाद फिर अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है वह, वाई इज, अगर नेगेटिव है तो नॉट का भी यूज कर दीजिए, नहीं है तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, वाई इज ही नॉट, अब मेन वर्ब लिख देंगे लाफ मीन्स हंसना और इसमें आप जोड़ देंगे आई एन जी, वाई इज ही नॉट लाफिंग, अभी बचा क्या है अब, तो अब की इंग्लिश लिख दें नाउ, वाई इज ही नॉट लाफिंग नाउ। अब दूसरा देखिए क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस, जैसे कौन लगा हूं वहां कौन जा रहा है, अब क्वेश्चन वर्ड हम बीच में आ गया वहां कौन जा रहा है तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे हु, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे कौन के साथ यूज करते हैं इज, हु इज, उसके बाद मेन वर्ब गोइंग, हु इज गोइंग, बच्चा क्या वहां का हो जाएगा देयर, इस तरह आप देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस के चार सेंटेंस हो गए। इनके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इन्फिनिटिव का भी यूज करके आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, इन्फिनिटिव हमने बताया था मेन वर्ब के फॉर्म से पहले
टू लगा देते हैं तो इन्फिनिटी हो जाता है, हिंदी में इसका अर्थ नानी ने होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस भी आप बना सकते हैं, जैसे बोल रहे हैं कि वे खेलने जा रहे हैं, जा रहे हैं, एक सेंटेंस है, वे खेलने जा रहे हैं, रहा है, रहा, रही है, लगा है, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ। अब उसी में आप देखते हैं कि खेलने, ऐसे दो दो आपको लग रहा मेन वर्ब है, जाना भी है, खेलना भी है, लेकिन इसमें ना नहीं लगा है, ये इन्फिनिटिव है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, रूल्स वैसे ही लगेंगे, दे और फिर रहे हैं प्लूरल नंबर है तो क्या लिखेंगे, आर, दे आर, फिर जा रहे का गुण। जो इन्फिनिटिव है उसको क्या करेंगे, टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए, दे आर गोइंग टू प्ले। इस प्रकार के सेंटेंसेस नेगेटिव भी हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी हो सकते हैं, उनको भी आपको बता देते हैं कि अगर ये नेगेटिव रहे और इंट्रोगेटिव तो कैसे बनाएंगे। जैसे नेगेटिव है कि मैं गाय दूहने नहीं जा रहा हूं, मैं गाय दूहने नहीं जा रहा हूं। अब इसको कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट आई, आई के साथ लगाएंगे एम, आई एम नेगेटिव सेंटेंस आपका है तो क्या आई एम के बाद लिखेंगे नॉट, आई एम नॉट मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब क्या है जाना, आई एम नॉट गोइंग बच्चा क्या आपका इंग्लिश गाय दूहना नहीं लगा इंफिनिटिव है, टू दूहना की इंग्लिश होती है मिल्क, मिल्क मीन्स दूध भी होता है दूहना भी होता है, आई एम नॉट गोइंग टू मिल्क द काउ, हो गया। अब इंट्रोगेटिव अगर रहेगा तो कैसे करेंगे, जैसे क्या अध्यापक पढ़ाने जा रहा है, क्या अध्यापक पढ़ाने जा रहा है। अब इसको बनाना हो तो क्या करेंगे, हम क्या की इंग्लिश तो बनाएंगे नहीं, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर नंबर, तो सब्जेक्ट अनुसार आपकी लग जाएगी इज, पहले लिख दीजिए इज, लिखिए द टीचर, इज द टीचर बच्चा क्या जा रहा है, जाना को हो गया गोइंग, इज द टीचर गोइंग पढ़ाना इंफिनिटिव है तो लिख देंगे टू टीचर, इज द टीचर गोइंग टू टीच, ये इंफिनिटिव का यूज करके आप बना सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड अगर मिडिल में चला जाए तो करना कुछ नहीं है, उस क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख देंगे, इसी सेंटेंस में परिवर्तन कीजिए, अध्यापक पढ़ाने कब जा रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड बीच में चला गया इसको हटा दीजिए, तब उसमें क्या करना है आपको कब की इंग्लिश पहले लिख देनी होगी, उसके बाद ऑक्सिलरी व्हेन इज द टीचर गोइंग टू टीच, ये इन्फिनिटिव का यूज करके बना। कुछ ऐसे भी सेंटेंसेज आते हैं इसमें, जैसे सब होता है खड़ा है, बैठा है, सोया है, ये भी कंटिन्यूस में ही आते हैं, जैसे हो गया कि वह खड़ा है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये परफेक्ट में चला गया लेकिन परफेक्ट नहीं, ऐसे देखा जाए वह खड़ा है, खड़ा होने का काम चल रहा है, कंटिन्यूस वो खड़ा है, इसलिए कंटिन्यूस होता है। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो रूल्स में रहेगा ही इज खड़ा होना का हो गया स्टैंड, उसमें आई एन जी जोड़ देंगे ही इज स्टैंडिंग, अगर सोया है इसे कहा जाए कि मेरा कुत्ता सोया है, सोया है, मेरा कुत्ता सोया है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे माई डॉग, सिंगुलर नंबर है तो क्या लिखेंगे इज, अब हो गया सोना स्लीपिंग, माय डॉग इज स्लीपिंग, इससे नेगेटिव करना चाहें मेरा कुत्ता नहीं सोया है तो अब क्या करेंगे माय डॉग इज नॉट स्लीपिंग, अगर इंट्रोगेटिव करना हो क्या मेरा कुत्ता सोया है तो अब करेंगे क्या, जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसको वहां से उठा करके आप शुरू में लिख देंगे इज माय डॉग स्लीपिंग, क्वेश्चन वर्ड बीच में चला जाए मेरा कुत्ता कहाँ सोया है तो आपको करना क्या है क्वेश्चन वर्ड को पहले ले आके लिख देना है। ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स और एग्जांपल्स, आशा है आपको समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार है और हम चाहेंगे आप मेरे चैनल को देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए,
और हम आपको ग्रामर की पूरी सीरीज बताएंगे। जब ही टेंथ समाप्त होगा हम ग्रामर शुरू करेंगे।